चरण सिंह सप्रा साहब, माना किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संसद जिसे आप मंदिर कहते हैं, लोकतंत्र का आप खुद कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है, उस मंदिर के जो मंदिर का सेंटर सेंटोरियम होता है, गर्भगृह होता है, उसके ऊपर चढ़ के क्या कभी कोई ड्रामा करता है जो प्रताप सिंह बाजवा जी ने किया? देखिए दीपक जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं, संसद जो है वो बिल्कुल लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर जो भगवान विराजमान है वो जनता जनार्दन है, और उसी जनता जनार्दन के विषयों को लेकर के अगर विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना, चीनी घुसपैठ या टेबल पर चढ़ जाए, पेगासस के जरिए, पेगासस टेबल पर चढ़ जाए, जासूस जो ने, मैं आ रहा हूं ना आपकी बात पे, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। अगर जासूसी कांड के ऊपर भी सरकार चर्चा नहीं करना चाहती, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, तो फिर ये सरकार जो है ये अहंकारी सरकार है, और अहंकारी सरकार हठधर्मी दिखा रही है, और हठधर्मी दिखाती है तो वो लोकतंत्र के भगवान की अवमानना कर रही है, उसका अपमान कर रही है, ये मेरा कहना है। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। 19 दिन का सत्र था तो 17 दिन में आप वाइंड अप कर रहे हैं, दो दिन बचे हुए थे। अरे जब आप टेबल पर चढ़कर डांस करेंगे, रूल बुक फेंकेंगे तो संसद क्या चलेगी? आज भी कागज फेंक के मारा गया। चरण सिंह सप्रा साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़कर कोई नाश्ता है? आपके सवाल पर इसीलिए मैं आखिरी में आ रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे मेरी बात कहने नहीं देते। मैं भी बहुत, क्या बात कर रहे हैं चरण सिंह सप्रा साहब, कम से कम मुझ पर आरोप मत लगाइए। सवाल ये है कि ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई, अगर सरदार प्रताप सिंह बाजवा को वो रूल फाइल फेंकनी पड़ी तो उनको, वो खुद प्रताड़ित है, वो इतने किसान जो 800-900 किसान जो आंदोलनकारी किसान है उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है 8 महीने से। वो जाड़े में भी बैठ रहे, गर्मी में भी बैठ रहे, वहां पर बरसात में भी बैठ रहे हैं, उसकी वो उन किसानों की अवमानना हो रही है, धरती पुत्र की अवमानना हो रही है। आप 25 लाख करोड़ का जो कृषि क्षेत्र का बिजनेस है वो मात्र 2 या 3 उद्योगपतियों को देना चाहते हो। ठीक है, आपकी हर बात मान ली, पर क्या टेबल पर चढ़ जाए? आपकी हर बात मान ली पर क्या टेबल पर चढ़ जाए चरण सिंह सप्रा साहब? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार 110 रुपए लीटर पेट्रोल पर चर्चा नहीं करेगी, 98 रुपए डीजल, सरकार हर चीज पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। और कल जब ये ड्रामा हुआ है, कल जब प्रताप सिंह बाजवा चेयर पर चढ़े हैं, तब कृषि कानूनों पर डिस्कशन हो रहा था चरण सिंह सप्रा साहब, शायद आपको पता नहीं इस बात। आप इस आक्रोश को समझिए, आप भारतीय जनता, आप मेरे भी आक्रोश को समझिए, आप भारतीय जनता पार्टी को कवर फायर मत दीजिए। आप, मैं कोई कवर फायर नहीं दे रहा हूँ, मेरे लिए जैसे आप वैसे भारतीय जनता पार्टी। लीटर जो पेट्रोल है जो, अरे सर, तो क्या टेबल पर चर्चा है राज्यसभा की, जिसे हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है? जवाब दीजिए ना इसका। अगर 110 रुपए किलो पेट्रोल हो गया है तो संसद में चर्चा होनी चाहिए कि टेबल पर चढ़ के रूल बुक फेंकना चाहिए? क्यों इतना महंगा हो गया आज अर्थव्यवस्था? गजब बात कर रहे हैं, आपके पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि टेबल पर क्यों चढ़े, आपके पास इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये अमर्यादित आचरण क्यों? हाउस ऑफ एंडर्स में आप टेबल पर चढ़ जाएंगे, आसन पर बुक मारेंगे।